गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप सभी ठीक होंगे और आपका स्वागत है एक बार फिर इस नए व्लॉग में। एंड आज का व्लॉग जाता है स्पेशली फॉर अनबॉक्सिंग। सो मैंने एक नया माइक मंगवाया है जिसका नाम है बोयो MM1, जिसके हम आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ जो है डायरेक्ट इंटरनल माइक्रोफोन से है, पता नहीं कैसी होगी, आई होप अच्छी होगी। तो हम सब कुछ आज टेस्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अनबॉक्सिंग के लिए, बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हमारा सेटअप रेडी है, चलिए हम अनबॉक्स करते हैं अब। तो गाइस, मैंने माइक जो है ये बोया MM1 का जो है अमेजोन से मंगवाया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका बॉक्स है, तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं अब। इसको कवर को साइड में कर देते हैं और आई होप आपको दिख रहा होगा बोया MM1, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रॉपरली BYMM1 इसका नाम है शॉर्ट में। तो चलिए चुटकी बजा के इसको अनबॉक्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा बॉक्स के अंदर जो सामान था, चुटकी बजाते ही बाहर आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं ये इसका यूज़र मैनुअल है। प्रोडक्ट के बारे में आप पूरी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, कैसे कौन सी वायरिंग कहाँ पर स्टैंड क्या लगना है। तो ये तो कोई काम का नहीं है। और ये इसका वारंटी कार्ड है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हमने ये ऑनलाइन परचेज किया है, तो इनवॉइस के लिए हमारा वारंटी कार्ड होता है, इसको भी साइड रखिए। एंड देन बोया ने अपना लोगोज दिया है, तो आप इसको कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं, लैपटॉप मोबाइल के पीछे। तो अभी देखते हैं इसको लगाएंगे। एंड ये इसका केस कवर है, जहाँ इसको हम संभाल के लेके जा सकते हैं जहाँ भी हमें ज़रूरत है। एंड अब रहा ये इसकी दो वायरिंग है, जिनको बोलते हैं TRC केबल्स, 1/4 DSLR कैमराज एंड 1/4 स्मार्टफोन। सो बेसिकली इन पे लिखा हुआ भी होता है, तो वन साइड ये माइक्रोफोन में लगेगी एंड अदर साइड जो है आपका स्मार्टफोन में लगेगी। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये इसकी वायरिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए माइक्रोफोन में लगेगी यहाँ पे, एंड देन ये स्मार्टफोन में लगेगी इस साइड। और अब आती है विंडशील्ड की बात। ये बहुत अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का है विंडशील्ड बोलते हैं इसको। यहाँ पे टैग देख सकते हैं, ये हमारा मेन माइक है, हैवी है, मेटल का बना हुआ है। ये है शॉक माउंट, जो कि हमारा कोल्सू माउंट पे लगेगा। सेटअप तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, कम्प्लीट सेटअप फॉर व्लॉगिंग। तो आज के लिए तो बस यही था, तो इसका हम चलो सेटअप करते हैं बेसिकली कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको ये जो है यहाँ पे लगाना पड़ता है, ये जैसे कि लग चुका है। एंड देन ये यहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं, ये इंजेक्ट हो गया है, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट है बिल्कुल एकदम से। एंड हमको चाहिएगा कोल्ड शू माउंट, जो कि यहाँ पे अटैच होगा। ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था, ये एक्स्ट्रा था जो मैंने, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो ये रहा इनका थैंक यू कार्ड, तो हमको थैंक्स बोल रहे हैं। एंड देन ये रहा कोल्ड शू माउंट, तो ये रहा बेसिकली, यहाँ पे ये माइक अटैच होगा, ये इस तरह से अटैच होता है। आपको ऐसे कोल्ड शू माउंट आपके ट्राइपॉड के ऊपर लग जाएगा। तो चलिए, अभी तक आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे थे वो फ़ोन के इंटरनल माइक्रोफोन से थी, तो इसके बाद जो आप आवाज़ सुनेंगे बोया के MM1 से सुनाई देगी। सो गाइस, अभी तक आपने जो है जो भी कंप्लीट वीडियो देखा हो मेरे स्मार्टफोन से, इनसाइड द रूम बना हुआ था जहाँ पे फैन भी चल रहा था, और अभी भी मैं रिकॉर्डिंग जो हूँ छत पे आके कर रहा हूँ, जो कि मेरा फ़ोन का इंटरनल माइक्रोफोन यूज हो रहा है रिकॉर्डिंग मेरी ऑडियो के लिए। तो जो भी इसके बाद आपको आवाज़ आएगी वो बोया का MM1 से जो एक्सटर्नल माइक है उससे आवाज़ आएगी। एंड आई होप जो मेरा फ़ोन है इसका इंटरनल माइक है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में ऑडियो को कैप्चर करता है। बट इन केस जब हम बाइक पे जाते हैं या कहीं बाहर विंड में व्लॉगिंग करते हैं, तो जो विंड की वॉइस होती है वो कई बार जो है ऑडियो के साथ वीडियो में हो जाती है, तो उस वजह से क्या है कि हमारी ऑडियो सही तरह से सुन नहीं पाती। तो जो मैंने BYMM1 माइक मंगाया है, तो आई थिंक ये उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें विंडशील्ड
का एक फीचर है जो कि बाहरी जो हवा वगैरह आती है उसको इग्नोर करता है और अच्छी क्वालिटी की ऑडियो आपको प्रोवाइड कराता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं नेक्स्ट ऑडियो फ्रॉम BY MM1 माइक से, जो कि एक्सटर्नल माइक है। सो गाइस, जो मेरे आप आवाज़ सुन रहे हैं एक्सटर्नल BY MM1 माइक से हो रही है, जो कि मैं अपने घर में भी चल फिर रहा हूँ। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। अब इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी व्लॉगिंग कैसे होगी ट्राइपॉड के साथ अपना एक्सटर्नल माइक लगा के। तो अभी मेरा एक हाथ की दूरी है, तब मैं बना रहा तब भी एक हाथ की दूरी थी जब मेरा स्मार्टफोन का इंटरनल माइक यूज हो रहा था। तो बस अभी तो आप इसे से अंदाजा लगा लीजिएगा कि कैसे मेरी वॉइस आ रही है एक्सटर्नल माइक के साथ। तो बस ब्लॉग में इतना ही, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।